अलीबाग, अलीबाग एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं। हाल ही चैंपियन ट्रॉफी, अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी आपने देखी होगी जो रजनी क्रिकेट हुआ था, वहां पे उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब से नवाजा गया था। अब्दुल सत्तार, मिस्टर अब्दुल सत्तार, इनकी तरफ से हरकोल टीम के लिए एक तोहफा है। अगर हैट्रिक का कोई भी गेंदबाज अपने नाम करता है तो उसे 1,000 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, विजय पवार अपना निजी पहला ओवर लेके आया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज राजा। जी हाँ, जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेलने की कोशिश की थी। सीधे बल्ले से हालांकि खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का यहां पे मौका। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन। विजय की अगली गेंद, ओहो परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया, जड़ में डाल दिया था। जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी। देखिए दोस्तों, आसान नहीं होता, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। 30 गज के दायरे में सारे खिलाड़ी नजदीक है। देखिए बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और उसी के साथ मिड ऑन और एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट फाइन लेग हमें यहाँ पे नजर आता हुआ। उसके बावजूद जी हाँ, इसमें दबा यॉर्क करने के प्रयास में चूक गए। लॉर्ड फुल टॉस गेंद को उछाल कर खेला। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज हर्ष। जी हाँ, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कैच लपकने का मौका था। ट्रेविस हेड की तरह अगर यहां पे कैच लपकते तो आपका ये कैच भी अमर हो जाता, क्योंकि 2023 के 50-50 विश्व चषक में रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ा था इसी तरह से पीछे की तरफ जाते हुए, और वहां पे भी तकरीबन हम लोग मैच हार गए, क्योंकि उस वक्त पहले 10 ओवर में 80 रन बने थे और बाद में बुरी हालत हुई हमारी और इसी वजह से वो विश्व चषक अपने हाथों से गवाया। मगर कोशिश जबरदस्त यहां पे नजर आई। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट भी यहां पे देखने को मिला, सिंगल रन भी यहां पे देखने को मिले हैं, कुछ गेंदे डॉट। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। विजय की अगली गेंद, जी हां फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है कवर के ऊपर से, उस गेंद का सही सलामत पीछा तो किया है मगर बार बार वहां पे फंबल होते हुए, मगर बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए है। 11 रन स्कोर कार्ड पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ अब हमें प्रेक्षक प्रेक्षक और प्रेक्षक नजर आ रहे हैं, सारे क्रिकेट के दीवाने। मैं विनंती करते हुए बाइक की लाइट बंद करा मित्रा। बैकवर्ड पॉइंट या दिशे ने, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। और जिसका मैंने जिक्र किया था, देखिए उनके पिताजी, पिताजी अगर आपके पीछे है, उनका अगर सपोर्ट है तो ये ऐसे खिलाड़ी बनते हैं। उनके खुद पिताजी यहाँ पे लेके आए हैं गाड़ी में डालकर सुमेध पत्रे को, बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज इस खिलाड़ी ने अपने गांव का और अपना खुद का भी नाम रोशन किया है, अलीबाग तहसील का नाम रोशन किया है। इस खिलाड़ी ने रतनबुआ ट्रॉफी भी खेली है, प्रहार चषक गोरेगांव का अर्थात मुंबई गोरेगांव, वहां पे भी वो खेल चुके हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। और हाल ही में जैसे मैंने कहा कि अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी बहुत ही कमाल का वो टूर्नामेंट था, वहां पे उत्कृष्ट गेंदबाज और एक कैप्टन के हैसियत से अपने टीम को जितवा भी दिया। और पूरे उस टूर्नामेंट में एकमात्र खिलाड़ी था जिन्होंने मेडन ओवर किया था,
तो ये वो गेंदबाज है, मगर आज उनका दिन कैसा होगा ये भी देखना मजेदार होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुमेध पत्रे। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज, सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। हरकोल, फैसल 11, हरकोल। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, फॉलो थ्रू में कैच लपकने का मौका था सुमेध के पास, मगर दोस्तों ऐसे कैच लपके नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेकंड, आधा सेकंड या पाव सेकंड कह सकते हैं, इतना वक्त था, और वहां पे आपके रिफ्लेक्शन या आपको रिएक्ट करना होता है तो ये इतना आसान नहीं होता। लगातार दो गेंदों पर दो रन, यानी अच्छी शुरुआत यहाँ पे गेंदबाज सुमेध की। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है हर्ष, नॉन स्ट्राइकिंग राजा। आहा, ये देखिए फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील तो यहां पे किया है और आउट करा दिया है। जोरदार अपील किया था, उस अपील को स्वीकार किया है, और अंपायर संदीप माने ने ये माना है कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। ये पहला छटका लगता हुआ। डीजे मास्टर, और अब मैदान में नमूदार होने वाले बल्लेबाज भी ये भी बल्लेबाज अलीबाग से बिलोंग करते हैं, चौल गांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी, और अलीबाग चैंपियन ट्रॉफी में सबसे महंगा खिलाड़ी जो ऑक्शन में बिका था, नाम है आकाश तौसाड़कर। ये खिलाड़ी ने रॉयल बोरली में जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया, अनेक कारनामे हैं, जैसे जैसे वो खेलेंगे मैं आपसे जरूर गुप्तगू करूंगा। क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, हालांकि 23 साल का खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर जब उनका दिन होता है तो फिर किसी की एक नहीं चलती। मुंबई के खिलाड़ियों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी मैंने अपने आंखों से रॉयल बोरली के मैदान पर देखी थी। आज फिर से एक बार स्ट्राइकिंग गेंद पर आकाश तौसाड़कर। जी हाँ, जाने दिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, देखा परखा, ऐसा शायद लगा था कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंपायर संदीप बिल्कुल नहीं माने, संदीप माने बिल्कुल नहीं माने, इस मरतबा ये सही गेंद करार दी है। 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, फाफ डुप्लीसी का ये जर्सी नंबर, दक्षिण अफ्रीका के एक शानदार और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और बेंगलोर टीम के कैप्टन। जी हाँ, ये लीजिए अनोखा अंदाज, ये है अंदाज। चलिए डीजे, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर महारत जिनकी कही जाती है, देखिए ये किस तरह से शॉट खेला है। हेलीकॉप्टर अक्सर हम देखते हैं कि डीप मिड विकेट में चला जाता है, ये तो बॉलर के सर के ऊपर से चला गया, ये कहीं भी खेल सकते हैं, कवर के ऊपर भी हेलीकॉप्टर खेलते हैं, अलग खिलाड़ी है ये, उनका खेलने का अंदाज निराला है। जी हाँ, बच गए क्या, जी हाँ बच गए हैं। आकाश को जीवन दान देना मतलब अपने पैरों के ऊपर कुराड़ी मारना है, ये कैच आपको लपकना था, बहुत बड़ी गलती की। सुमेध पत्रे ने यहां पे कमबैक किया था, क्योंकि जैसे ही छक्का पड़ा दूसरी ही गेंद के ऊपर आकाश को चकमा दिया था, और शॉट फाइन लेग दिशा में कैच लपकने का सुनहरा मौका था, मौका अपने हाथों से गवाया है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो जो आपको 50-50 चांसेस मिलेंगे, आधे मौके मिलेंगे, उसे पूरे मौके पर आपको तब्दील करना पड़ता है।
दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 10 के औसत से 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और जिन मेहमानों को हमने दावत दी है, आमंत्रित किया है, उन सभी मेहमानों से मेरी अजीजाना गुजारिश है कि आप मंच पर आकर तशरीफ रखें, क्योंकि आपका बैठने का इंतजाम किया है और आपके बैठने की सही जगह इस मंच पर है। सो प्लीज़ वेलकम सारे मेहमानों के लिए। मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, जी हाँ 20 रन, 20 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बीच मानगांव के बेहतरीन ऑलराउंडर रोहित गमरे के हाथों में गेंद है, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं, हमेशा की तरह राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ उड़ाया, खड़े, चलिए डीजे के पास। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का अंदाज निराला था, उन्होंने अपने स्टाइल को सुपरिचित किया, क्योंकि कोई भी कोच इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं सिखा सकता कि इस तरह से ये शॉट खेले। ये उनका अंदाज है, अपनी पहचान है, किस तरह से ये शॉट खेला वही जानते हैं। सीधा लंगोन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए और 26 रन स्कोर कार्ड पर। रोहित गमरे को आसमान दिखाया है, अब रोहित के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। जी हाँ ये लीजिए, फिर से एक बार गोली की रफ्तार से गेंद, मगर वहां के फील्डर की मैं दाद देना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। सम्माननीय रैयान भाई काजी, इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम आकाश के लिए। जी हाँ देखिए, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था राजा का, मगर राजा 4 गेंदों में 4 रन बनाकर क्या यहाँ पे पैट कमिंस का रोल अंजाम दे रहे हैं, और मैक्सवेल की तरह आकाश छक्के छुड़ाते हुए गेंदबाजों के। नहीं, राजा को भी आया गुस्सा, राजा ने दिया है एक लंबा छक्का। मीरान हुरजुग, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम राजा के लिए इस छक्के के लिए। और इसी बीच हमारे मेहमान सलमान जी पठान, इनका मैं तहदिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा। रैयान फैसल काजी, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। दोस्तों आप ही कैलकुलेट करें, मेरे पास तो वक्त भी नहीं है ना ही यहाँ पे नोटबुक है, प्लीज आप ही कैलकुलेट करें किसको कितना और कहां से आया ये पैसा। ठीक है चलिए दोस्तों, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अब दोनों तरफ से ढोलक की तरह गेंदबाज बचते हुए, ओहो फुल टॉस थी, देखिए एक आह उठी। जी हाँ यहाँ पे ओवरथ्रो के रूप में भी कुछ रन मिलेंगे, कुल मिला के 2 रन तो जरूर यहाँ पे आते हुए, लेग बाय के रूप में 2 रन अतिरिक्त, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। सारे खिलाड़ी यहां पे एक्साइटेड तो है, मगर उससे ज्यादा एक्साइटेड उनके फैंस, उनके फॉलोवर्स। जैसे ही छक्का पड़ता है तो 100 रुपए 200 रुपए की छड़ी लग जाती है। ओहो ये देखिए फिर से एक बार अलग और हटके ये शॉट, राजा के बल्ले से और एक छक्का। बासीद फहीम काजी, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। रैयान फैसल हुरजुग,
काजी, रैयान काजी, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। बॉलर नेम कौन है? 300 रुपए दू? छुट्टी लेके आने के बाबू, छुट्टी लेके। तो दोस्तों, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 41 रन, पहले 2 ओवर में 20 रन थे और इस ओवर में 21 रन खर्च किए हैं रोहित गमरे ने। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है। नए गेंदबाज हरेश को बॉलिंग मार्क पर लगाया है। 4 ओवर का यह मुकाबला, आकाश तौसाल का स्ट्राइकिंग इन पर 5 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया था कवर के ऊपर से, मगर नो मैन्स लैंड शॉर्ट कवर में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। डीप कवर से उस गेंद तक फील्डर जब तक पहुंचते तब तक 1 रन लेने का मौका। 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हरेश द्वारा, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। नहीं नहीं, राजा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कमाल की ताकत है उनके रिस्ट में। 6 रन। जी हाँ, इसमें तबाह थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, क्या कमाल का एफर्ट था। मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया है और 3 रन मुकम्मल कर लिए है। 3 रन इंपॉर्टेंट है और तालियों की गड़गड़ाहट ये सब कुछ बयान करती हुई। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 3 गेंदे अभी भी शेष। ये लीजिए, ये लीजिए, बैकफुट पर पंच। कहीं आपने इस तरह का शॉट बहुत कम देखा होगा। बैकफुट पर गए थे, बॉडी बैलेंस आउट हुआ था, उसके बावजूद गेंद बल्ले से टकराने के बाद लॉन्ग ऑन सी मारिका के बाहर 6 रन। हुज़ैफ़ा हुरज़ुक इनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। रैयान फैसल काजी इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम। आकाश के लिए पैसे ही पैसे। देखिए बल्लेबाज है कैसे। ये लीजिए, ओहो हो, और एक छक्का। अरे यार क्या हुआ, छोटी मोटी बातों को क्या यार पकड़ते हैं। सम्मानीय जनाब भाई धौलारकर, इनकी यहाँ पे आमद हो चुकी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। रैयान फैसल काजी इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। कोणी ग्लोव झाले बंटी पत्रिके इथे इथे फील्डिंग करता ना, पण बॉल लागलाय का आता सुजलाय का टेस्ट का असेल इथे बघ, अंपायर काय ते बघ। नाही नाही नाही, पण नुसता लिगा बद्दल नुसता त्यांनी घातले। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब मात्र 1 गेंद आना बाकी है इस ओवर की। चलिए दोस्तों, जो भी सही बॉल।
पांच गेंदे हो चुकी है राजा, 63 रन हो चुके हैं। देखिए एक राजा मैंने देखा था राजा हिंदुस्तानी में, और अभी से मैदान पर देख रहा हूं और एक राजा को। जी हाँ, अंपायर जी का कुछ इशारा आता हुआ, थोड़ा सा टेंशन जरूर है, मगर दोस्तों रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, जो भी सही निर्णय होगा उसे हम ले आएंगे। वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा, मगर फिर भी हम यहाँ पे अंपायर जी से और कमेटी मेंबर्स वहाँ पे जा चुके हैं, वो फैसला करेंगे, थोड़ा सा सब्र से काम लो। बंटी बद्री के मैन फ्रॉम खालापुर, ओहो यहाँ पे 3 रन की पेनल्टी दी गई है गेंदबाजी करने वाली टीम को। चलिए कमेटी 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। अब एक गेंद आना बाकी है, बहुत ही बढ़िया स्कोर यहां पे खड़ा हो चुका है आकाश तौसारकर 27 रन बनाकर, और राजा भी 27 रन बनाकर। आकाश ने खेले हैं 8 गेंद, राजा ने खेले हैं 9 गेंद, दोनों भी खिलाड़ी मैं अच्छा बल्लेबाज या तू अच्छा बल्लेबाज ये बताते हुए। ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, क्या गेंदबाज, अच्छी गेंद, अच्छा क्या शानदार। हरेश जितनी तारीफ करे उतनी कम, ये आसान नहीं होता दोस्तों। गेंदबाज आगे दौड़कर, बैलेंस उनका आगे था, फिर से एक बार अपने आप को रोका, पीछे की तरफ भागे और उस गेंद के नीचे आए, उस गेंद को साइड किया, जज किया और बहुत ही बढ़िया कैच। देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है, 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। मगर दोस्तों कहीं पर भी मत जाइए, ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग को ओपन करे, क्योंकि अब आने वाला है और एक तूफान, नाम है बंटी बद्री के, जिस खिलाड़ी ने रायगढ़ प्रीमियर लीग में 99 रन बनाए थे एक ही मैच में। मैच 20 ओवर का नहीं था, 10 ओवर का भी नहीं था, मैच था 6 ओवर का, तो एक आधा पिक्चर तो आपने देखा है, एंडिंग अभी बाकी है। तो दोस्तों आने वाले सत्र में यानी इंटरवल के बाद क्या होगा, इसके लिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांधे और आवाज सुने हमारे साथी कमेंटेटर फैज सर का, धन्यवाद। यहां पर डगआउट में आकर बैठे, बैटिंग करने वाली टीम जो है वो डगआउट में आकर बैठे, जिस तरह से यहां पर यासीन मर्चेंट साहब, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यासीन मर्चेंट साहब आपके सामने यहाँ पर, आप उनका समालोचन यहाँ पर सुन रहे थे। निहाल का यहाँ पर वेलकम, फिर से एक मरतबा आगमन हुआ है निहाल का, जमाल दौलरकर यहाँ पर आए उनका वेलकम, खुशामदीद, सलमान पठान और मुनीम मुइन गोटेकर, इनका हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद, साथ में निहाल का भी वेल डन निहाल। निहाल एक अच्छा योगदान रहा है टूर्नामेंट में इनका, निहाल गोटेकर का हमेशा रहता है और अभी भी यहाँ पर है। तो अब मैं फिर से एक मरतबा मैच की तरफ हम जाएंगे, यासीन साहब हमारे बीच में यहाँ पर आपके सामने थे, जो इस मैच का समालोचन आप उनके जरिए सुन रहे थे। हाँ वो फलक इलेवन में खेलते हैं, इंजमाम बता रहे हैं। निहाल की ना, हाँ निहाल में हमने गए साल, निहाल को एक अच्छी गेंदबाजी टूर्नामेंट हुई थी, राजा गोविलकर की तरफ से हैट्रिक सिक्स पर 500 रुपए का इनाम है, राजा गोविलकर की तरफ से एक अच्छा मैच होगा। 67 रनों की जरूरत है यहाँ पर, अगर फैसल इलेवन के विरुद्ध जो मैच यहाँ पर चल रहा है, फैसल इलेवन के सरकार नावले इनके बीच में नावे के बीच में जो मैच चल रहा है, 66 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवरों में हरकुल ने, फैसल इलेवन हरकुल, फैसल काजी यहाँ पर मौजूद थे, बाद में हमने यहाँ पर देखा
फैसल का शौक क्रिकेट में बहुत लंबा है। जब INT में टूर्नामेंट हुआ करती थी तो गुजरात से टीमों को बुलाया करते थे फैसल। फैसल को क्रिकेट का बहुत ही इंटरेस्ट है, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाते रहते, आमंत्रण करते रहते। वही कुछ यहाँ पर अभी हमने देखा अपने टीम में, जिस तरह से चार खिलाड़ियों का समावेश किया है। जमाल धवलकर का स्वागत किया जाएगा इंजमाम के हाथों, इंजमाम वेलस्कर के हाथों। यहाँ पर जमाल धवलकर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जमाल धवलकर यूट्यूब यहाँ पर जरा दिखाए, यहाँ पर जमाल धवलकर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जो ठीक हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस तरह से सलमान पठान, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। निहाल क्या तो निहाल सॉरी राजा क्या तो सलमान का इस्तकबाल किया जा रहा है। राजा गोयलकर के हाथों सलमान स्टेज पर आए। सलमान स्टेज पे आ जाए। लेकिन यहां पर एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। 67 रन बनाए हैं, 67 रनों का टारगेट है, सॉरी 66 रन बनाए सलमान। यहां पर आए, सलमान का यहां पर स्वागत किया जा रहा है राजा गोयलकर के हाथों। बॉलर प्रज्वल है ये, प्रज्वल मैन फ्रॉम अलीबाग से है ना। मोइन गोटेकर का भी इस्तकबाल किया जा रहा है इब्राहिम के हाथों। मोइन का इस्तकबाल इब्राहिम के हाथों यहां पर किया जा रहा है। वेल डन मंजूर जामदार, उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा हिमात के हाथों। लेकिन यहां पर जरा बाजू हो जाए, मैच भी शुरू हो रहा है। तो हम यहां पर मैच की तरफ जाते हैं। बंटी और महिंद्रा, एक अच्छा मैच, फुल गेंद फुल एंड खराब गेंद सही पनिशमेंट। बेन बाजे के साथ स्वागत किया है पहली गेंद। गेंद फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस जरूर थी, अब से हमसे बाहर जाती हुई गेंद, थोड़ा उंगलियों के सहारे। नासिर सलमानी का भी इस्तकबाल करते हैं हम, वो भी यहां पर आए, उनको भी यहां पर इमाद के हाथों उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। नॉन स्ट्राइक पर रिवर्स शॉट, वाह व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ स्टार्ट, क्या मैच। था पहले कि रन बनने दो तब तो मजा आ जाए, रन बनेंगे तो मैं अपनी बैटिंग दिखा दूं, और यही कुछ सोच रहे थे जब हरकुल बैटिंग कर रही थी। वाह व्हाट अ बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग। बंटी ना? बंटी क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। बंटी बद्रिक 12 रन, दो गेंदे 12 रन, बहुत ही अच्छी। महेंद्र अंधेरे, लेकिन व्हाट अ स्टार्ट, क्या स्टार्ट है, क्या मैच है। 66 रनों की जरूरत है, 12 रन यहां पर हो चुके हैं, 12 रन 12 पर ही खेल रहे, दो गेंदे दो सिक्सर। प्रज्वल लेकिन इस बार यहां पर गेंद को आगे रखा, विकेट भी प्राप्त किया। कभी तेरी तो कभी मेरी, कभी तेरी चुप कभी मेरी चुप, इस तरह से क्रिकेट चलता हुआ। आपने दो अच्छा बदला ले लिया वहां पर, बहुत अच्छा बदला लेते हुए, जैसे ही दो गेंदों पर दो सिक्सर आए फौरन अपनी गेंद की लंबाई को कम कर दिया, गति में मिश्रण किया वहां पर, इन स्विंग बॉल डाला वहां पर और चकमा दे बैठे। और इस तरह से लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर मारने के बाद तीसरी गेंद पर अपना बदला देते हुए कैच आउट कराकर वापस लौटा दिया। अब यहां पर देखना है कौन आ रहा है, क्योंकि परशुराम अंधेरे दोनों अंधेरे ही है, एक महिंद्रा अंधेरे और एक परशुराम अंधेरे। और यहां पर प्रज्वल ने तीन गेंदे फेंकी, 12 रन दिए, एक सफलता। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर विकेट,
इस तरह का क्रिकेट यहां पर चलता हुआ। अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत की थी। वेल डन, वेल प्लेड, वेल प्लेड। बंटी वेल स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट किया बंटी ने, धूम धड़ाके के साथ स्टार्ट किया जाता। राजा की तरफ से, राजा गोयलकर की तरफ से हैट्रिक सिक्स पर 500 रुपए का इनाम यहां पर है। अगर इस टीम में से कोई खिलाड़ी लगातार तीन गेंदों पर तीन सिक्स लगाता है तो अब परशुराम अंदर नाइन एक्शन, नाइन फायर परशुराम, परशुराम अंदर है यहां पर। जैसे बंटी आउट होने के बाद वही चीज, वही चीज, वही जगह संभाले परशुराम अंदर ने। ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। रन भी बन रहे हैं, विकेट भी जा रहे हैं। वाह, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्रिकेट। फिर से मैं एक बार बता दूं कि यहां पर दूर दराज अतराफ व अकनाफ जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, जो किसी भी पंचायत के सदस्य, गांव के सदर वगैरह जो भी है, उनसे इल्तिमास है कि आकर स्टेडियम में यहां पर बैठे। फिर से एक मरतबा प्रज्वल, यहां पर प्रज्वल को विकेट भी मिल रहा है, रन भी बन रहा है, रन भी बन रहे। और क्या आसान कैच हो रहा है यहां पर, बिल्कुल आसान कैच हो रहा है। क्या छुट्टी गई, मैच ना छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच जीतो, कैच छोड़ो मैच छोड़ो की बातें होती रहती है। और एक आसान सा कैच था, हालांकि थोड़ा सा बॉल घूम रहा था, स्पिन हो रहा था, वो बात अलग थी, लेकिन उस बॉल को किस तरह से कैच किया जाता है उसको भी सिखाया जाता है। जो बॉल स्पिन होती है, एक बॉल है जो ऊंची जाने के बाद सीधी आती है, और एक बॉल है जो ऊंची जाने के बाद गोल घूमते हुए आती है, स्पिन होकर आती है, उसको कैच करने के तरीके बताए जाते हैं। और उसी तरह से अगर आप कैच करेंगे तो ही कर सकते हैं, अन्यथा सीधा कैच करने जाएंगे तो आपके हाथ से फिसल जाती है, स्पिन होकर निकल जाती है बॉल। हाँ, वो भी है, ये भी बताता हूं। राइट अमूर्द विकेट, और ये गेंद आ रही है यहां पर, चौथा सिक्सर इस ओवर का। खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब गेंदबाजी, और इस तरह से फैसल एलेवन ने जो 66 रन बनाए थे, यहां पर रन बने हैं 25। क्या गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब गेंदबाजी। पहली दो बॉल में सिक्सर, फिर तीसरी बॉल में विकेट, चौथी बॉल में सिक्सर, पांचवी बॉल में सिंगल, जहां पर विकेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और फिर सिक्सर, यानी चार सिक्सर एक सिंगल, 25 रन दिए, आधे रन एक ही ओवर में हो गए। फैसल एलेवन हरकुल के लिए परेशानी यहां पर बढ़ती हुई, पहली ओवर में रन दे दिए, वो भी 25, एक दो तीन पांच दस पंद्रह बीस नहीं, 25 रन दिए। तो हरकुल, फैसल एलेवन हरकुल के लिए थोड़ी सी यहां पर परेशानी है, चिंताओं के बादल। लेकिन यहां पर देखना यह है कि गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं राजा, राजा। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन राजा ने वहां पर अच्छा खासा बेंड बजा बनाया बजाया था, लेकिन अब उनकी टीम का यहां पर कुछ इस तरह से स्वागत हो रहा है। चार सिक्सर लगे वहां पर प्रज्वल की गेंद पर, प्रज्वल ने 25 रन दिए, एक सफलता जरूर प्राप्त की, दूसरी भी मिल सकती थी। एक चीज जो यहां पर एक हुई थी, तीन रनों की पेनल्टी मिली थी इससे पहले वाली इनिंग में, थोड़ी सी उसकी चर्चा भी हम करें, और जरूरी भी है शायद ने क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्या हुआ पता नहीं चला, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर बता दे कि विकेट कीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी अगर ग्राउंड के अंदर ग्लोव्स पहनता है तो उसके लिए वो पेनल्टी दी जाती है, किसी भी खिलाड़ी के लिए वो ग्लोव्स पहनने की अनुमति नहीं है। और इस तरह का कुछ व्यवहार वहां पर अंपायर ने पाया, फिर डिस्कस हुई आपस में, बातचीत करने के बाद वो तीन रनों की पेनल्टी दी गई थी। आपको मालूम है, बता दूं कि एक मरतबा इसी तरह का एक बात हुई थी, एक बॉल पकड़ा था पाकिस्तान के वो कप्तान जो थे उन्होंने, और उन्होंने वो ग्लोव्स हाथ में पहनकर वो बॉल पकड़ा था, और फिर उस वक्त 5 रनों की पेनल्टी दी गई थी। बाबर जो थे उन्होंने बॉल पकड़ा था और 5 रनों की पेनल्टी दी गई थी अंपायर की तरफ से उनके लिए। उन्होंने मजाक में वो जो बॉल में क्या वो ग्लोव्स निकाला था रिजवान ने, और वो ही ग्लोव्स पहन के उन्होंने बॉल को पकड़ा था, और फिर उसके लिए उनको 5 रन की पेनल्टी दी गई थी। तो नियमों का पालन होना जरूरी है। अगर आपको कोई चोट है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप अंपायर से पहले बात कर सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं। अंपायर रखा किस लिए जाता है? राइट अमोर द विकेट, हो अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी स्विंग। हालांकि प्रज्वल भी एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन इस बार उनकी चली नहीं, क्योंकि उनके सामने प्रमुख वहां पर बल्लेबाज है, परशुराम अंधेरे वहां पर खेल रहे थे, महेंद्र अंधेरे वहां पर खेल रहे थे, उनके सामने कुछ नहीं चला। बंटी भी थे,
बंटी ने भी अच्छा खेला वहां पर, परशुराम और ये दोनों एक साथ पर खेल रहे हैं, परशुराम महेंद्र छह पर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, ब्लॉकल में फेंकी हुई गेंद थी, जब तक के वहां से हल्के आस होता फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते एक रन के लिए। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़े तो स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 26 रन, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद पर वो सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद एक सफलता जो पांचवी गेंद पर मिलना चाहिए था, विकेट कीपर के हाथों में वहां पर ग्लोव्स भी है, निहाल है वहां पर शायद वो विकेट कीपर, और उनके उनके हाथों से वो वहां पर कैच हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी राइट ऑफ द विकेट। अच्छा शॉट है लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी नहीं है वहां पर, आसिम, आसिम जब तक फील्ड करके थ्रो करते क्योंकि उनके काफी आगे गिरी थी बॉल, एक ही रन मिलेगा वहां पर। और एक ही रन के साथ यहाँ पर क्योंकि अब तक उन्होंने तीन गेंदें फेंकी है, पहली बॉल डॉट, दूसरी दो गेंदों पर सिंगल सिंगल आया है, और कुल मिलाकर यहाँ पर स्कोर जो आया हुआ है वो स्कोर जो हुआ है वो 27 रन 27 राइट राउंड विकेट। अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, बहुत बेहतरीन शॉट है, और यहां पर फील्डिंग शायद देखना पड़ेगा बाउंड्री जो भी है, लेकिन रनआउट हो सकते हैं यहां पर, रनआउट तो हो सकते हैं ना, रनआउट निश्चित रूप से। अंपायर को पूछने दिया जाए वहां पर, गलत है व्यवहार, अंपायर अभी तक एक्शन नहीं किए तो आप अंपायर को पूछ रहे। हाँ हम देख रहे हैं वहां पर, एक मिनट देख रहे वहां पर, सेफ बॉल है, सेफ बॉल है, चार नहीं है, सेफ बॉल है, ये रनआउट है, ये परशुराम रनआउट हुए ना, मिनाल, मिनाल ने वहां पर, हालांकि ये जो बॉल गया था पहले आसिम सिर्फ देखते रह गए थे, आसिम उस पर झपटे भी नहीं थे, फिर बाद में देखा कि बॉल उनकी तरफ आई है, दौड़े बाद में लेट दौड़ा आसिम, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर उनके साथ ही खिलाड़ी की, रन बचाए वहां पर। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परेश, हमारे स्कोरर जो है यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर हो और फिर यहाँ पर यकीनन कैमरामैन परेश पालकर जो है मेन कैमरा है, साइड कैमरा के लिए वीरू मानकर है, सोदन कौन है पेरेकर, ये जो हमारे ऑपरेटर है, ऑपरेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये जो इनको मिला हुआ है ड्रीम्स क्रिकेट को, ये मैं समझा कौस्तुभ को ये ऑपरेटर बहुत अच्छा मिला है, साथ में स्कोरर भी इतनी मालूमात रखते हैं और इतना ज्ञान है उनके पास क्षितिज कल्याणकर, और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है इन दोनों ने हमें यहाँ पर, खास करके कमेंटेटरी सेक्शन करना इतना आसान होता है जब इन लोगों का हमें सपोर्ट हो जाता है, चाहे फिर वो हमारे ऑपरेटर हो चाहे हमारे स्कोरर है, इन दोनों का कल्याणकर है और ये पालकर है जो इन्होंने हमें बहुत अच्छा यहाँ पेरेकर है, इन्होंने बहुत अच्छा हमें ताउन दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, दोनों का धन्यवाद मैं फिर से एक मतलब करूंगा, और कैमरामैन बहुत अच्छा काम करते हुए। तो इस बीच यहां पर फिर से एक मतलब हम ग्राउंड के ऊपर चले जाएं, यहां पर चार पांच गेंदे हुई है, पांच गेंदे में राजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पांच गेंदे तीन रन दिए हैं, एक गेंद आना बाकी है, राजा 28 रन अच्छी गेंद, फिर से एक मतलब आसिम वहां पर जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक रन मिलेगा, वेल बॉलिंग राजा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी राजा की, बेहतरीन गेंदबाजी, अपने ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त किए, वेल बॉलिंग, और पहली ओवर में जो हुआ था 25 रन और एक विकेट, 25 रन में एक विकेट, देखे अंतर देखिए, दोनों ओवर का अंतर देखिए कितना है, पहली ओवर में अगर नजर डाले जहां पर वो ओवर किया था उसने 25 रन दिया और एक सफलता प्राप्त की, उसके बाद दूसरी ओवर जब आई तब वहां पर रन देखिए सिर्फ 4 विकेट 1, कितना अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। तो ये क्रिकेट है, यही क्रिकेट की अच्छाइयां लोगों को आकर्षक करती है ग्राउंड पर आने के लिए, यही क्रिकेट की अच्छाइयां लोगों को देखने यूट्यूब के माध्यम से मैच देखने के लिए आकर्षक करती है, और इसको काफी दूर दूर तक लोग जाकर देखते हैं, 12 गेंदे 38 रन, काफी दूर दराज देश विदेश में मैचों को देखते हैं, काफी लोग यूट्यूब के माध्यम से तकरीबन अपने एरिया में जितने मैचेस होते वो देखने के शौकीन है, देखते हैं बाकायदा, किसी ग्रुप ग्रुप बहुत से ऐसे ग्रुप बने क्रिकेटर के, सिर्फ वो क्रिकेट की बातें होती रहती है, वहां पर हर मैच के अपडेट दिया जाता है, हर मैच के बारे में एनालिसिस दिया जाता है, और यही लोग शौक रखते हैं उसका। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ले, 29 रन 2 विकेट के नुकसान में, 29 29, जरा फास्ट ले क्योंकि हम आपको मालूम है आज फाइनल होना है, 12 गेंदे 38 रन, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 29 हुए, 12 38, और बॉलिंग के लिए आए कौन, आकाश तौसालकर।
ये अली मैन फ्रॉम अलीबाग आकाश तवसालकर। अब तो यहां पर 12 गेंदे 38 रन और अच्छी बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है इस टीम के पास। जिस तरह से यहां पर के सरकार यहां पर जो 29 पर 2 विकेट गए हैं उनके 12 में 38 चाहिए। अभी भी विजय पवार है वहां पर, महेंद्र अंधारे वहां पर। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, निश्चित रूप से गेंदबाजी के बाहर 6 रन। अच्छा स्वागत किया पहली गेंद पर, धूम धड़ाके के साथ बेनबाजे के साथ स्वागत करते हुए लॉन्ग आर्म के सर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। 6 रन अंधेरे, महेंद्र अंधेरे उनके, और इस तरह से 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। इसी के साथ 35 रन, बॉल दिया जाए जल्दी। 7-7 पर दोनों खेल रहे हैं पवार और अंधेरे। बॉल दिया जाए, अच्छा मैच देखने मिलेगा। मैंने पहले कहा था कि जिस तरह की दोनों टीमों के पास बैटिंग लाइन है बॉलिंग लाइन है उसको देखते हुए एक अच्छा मैच होगा। आकाश तवसालकर फ्रॉम अलीबाग, यहां पर खराब गेंदबाजी, बहुत खराब गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदे 2 सिक्सर। पहली गेंद में 25 रन आए थे, मैच पूरा गया था वहां पर, लेकिन दूसरी ओवर में राजा ने अच्छी गेंदबाजी की थी। बॉल दिया जाए, राजा ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन यहां पर तवसालकर थोड़े से महंगे साबित होते, 2 गेंदे 2 सिक्सर और दोनों गेंदे लगभग खराब गेंद दी थी। शायद बॉलिंग रनअप के लिए कुछ यहां पर परेशानी है। अभी यहां पर देखना यह होगा कि जिस तरह से यहां पर मैच ये चल रहा है, 41 रन हो चुके हैं, 41 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट, 67 रनों की जरूरत है यहां पर। लेकिन अभी यहां पर देखना यह होगा कि तवसालकर किस तरह से गेंदबाजी करते, किस तरह से उनके हाथों में जादुई गेंदे यहां पर करके अपनी टीम के लिए सपोर्ट करेंगे, किस तरह से यहां पर विजय पवार और महेंद्र ये अपने टीम के लिए किस तरह से बल्लेबाजी करते। राइट अंपायर द विकेट, दौड़ा शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के पकड़ने से निकलने के बाद ऑप्शन से, और अंपायर के साथ नो बॉल भी है, नो बॉल वाइड बॉल जो भी चाहे उसको, लेकिन नो बॉल दिया अंपायर ने, जो भी है नो बॉल वहां पर फ्री रहेगा। अंपायर की तरफ से ये इशारा है कि नो बॉल है, ये राजा गोइलकर की तरफ से 500 रुपए हैट्रिक सिक्स के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य भी है वो राजा गोइलकर। अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, इस बार काफी तेजी के साथ, इस बार एक अच्छी चतुराई के साथ फेंकी हुई गेंद थी, ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद, बहुत तेज तर्रार गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद, सॉरी बाहर जाती हुई गेंद को वहां पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हो सका, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन कोई नुकसान नहीं। फिर से एक बार तब आकाश तवसालकर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, अब तक 3 गेंदों का खेल बचा है, 13 रन खर्च किए ये आकाश ने, आकाश तवसालकर ने अभी तक 13 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। राइट आर्म ऑफ द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, इस बार एक अच्छा अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल फेंकी, उतना ही अच्छा सम्मान देते उसको खेला, उतनी अच्छी फील्डिंग उतना अच्छा थ्रो, ऑलराउंड क्रिकेट एक अच्छा देखने मिला यहां पर इस बार। फरजान जुम्मल यहां पर आ रहे हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं फरजान जुम्मल का, लेकिन यहां पर आकाश तवसालकर 14 रन खर्च किए 4 बॉलों में 5वीं गेंद लेकर। बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, और यहां पर चिक्की सिंगल जरूर चुराया, लेकिन बहुत तेज गेंद थी, बहुत तेज, इतना आसान नहीं होता इसको पिकअप करना, क्योंकि एक तो तेज गेंद है, एक तो आपकी लंबाई इतनी सतर्क है, अंदर उसको एंगल बनाकर अंदर ला रहे थे, आसान नहीं होता खेलना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सीधी सपाट गेंद रहती तो फिर अलग बात थी, उस पर खेला जा सकता था। एक तो होल्ड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, लेग स्टंप के बाहर निकालने की कोशिश उसको एंगल बनाकर कर रहे, और आपकी वो सतर्क लाइन जो है वो वहां पर वो बैट्समैन को चकमा दे बैठी, लाइन सतर्क होना चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी होना चाहिए, वो कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे गेंदबाज हमने देखा आज के दिन में, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान देते हुए उसको खेला, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो इस बार इतना अच्छा नहीं है, इस बार थ्रो इतना थोड़ा सा धीमा था, लेकिन अच्छे ऑलराउंड क्रिकेट अच्छा रहा था वहां पर। और इस तरह से अब यहां पर 3 ओवर हो चुके, 45 रन हो चुके, 22 रन चाहिए 6 गेंदों में 22 रन, 6 गेंदे 22 रन, एक अच्छा मैच। अब आखिरी ओवर के लिए देखना है किसको दिया जा रहा है, बॉल दिया जाए, बॉल 22 रनों की जरूरत है। यस सरकार नावे और फैसल इरवान हरकोल, 22 रनों की जरूरत है।
थोड़ा ज्यादा जल्दी से लिखे क्योंकि फाइनल मैच होना है। फाइनल सुहेल बंदरकर यहां पर आए, उनका भी वेलकम, हार्दिक स्वागत सुहेल बंदरकर का। जल्दी जल्दी जरा ले, 22 रन चाहिए, 22 रन 22। अंपायर थोड़ा वहां पर फास्ट ले, इनको प्लेयर्स को यहां पर चेतावनी दे। 22 रन, बॉलर हर्ष गेंदबाजी करेंगे। तो इस तरह से 22 रनों की जरूरत है। हर्ष यहां पर गेंदबाजी करेंगे, अभी उनके सामने एक बड़ी टीम वहां पर खेल रही है। किस तरह से इस चीज को किस तरह से प्राप्त कर पाते हैं ये हम देखेंगे। हर्ष को, हर्ष फैसल एरवान हरकोल और के सरकार नावे। विकेट सिर्फ दो ही गए हैं, विजय पवार महेंद्र अंधारे इस वक्त यहां पर क्रीज पर मौजूद है दोनों। तो मैच में अभी तक दिलचस्पी है, के सरकार के पक्ष में भी मैच है, हरकोल के पक्ष में भी मैच है, लेकिन देखना यह है कि किस तरह का मैच होता है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी होता है। हमने इससे पहले वाले मैच में देखा था जहां पर आखिरी दो बॉल में एक रन नहीं निकला था। राइट अप ओवर द विकेट, और यहां पर रन आउट हो सकते, बिल्कुल भी रन आउट तो है, बिल्कुल रन आउट है, विकेट तो है। और क्यों यहां पर अंपायर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अंपायर ने वहां पर अंपायर से व्हाइट बॉल की अपील की गई, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, एक अच्छी गेंद थी, सफल किया था, आगे गए थे, इसकी वजह से शायद नहीं दिया, जो भी है वहां पर, लेकिन अंपायर का फैसला था कि इस बात के ऊपर व्हाइट बॉल नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से एक विकेट भी मिला है जो कि रनआउट के रूप में, हर्ष को विकेट मिला है, उनकी टीम को विकेट मिला है। अब पांच गेंदे बची है, पांच गेंदों में 22 रन, पास्टे आए, भावेश पास्टे। बाईस रन 22, बावेश पास्टे वहां पर आए नए बल्लेबाज खेलने के लिए। 3.1 ओवर हो चुका है, पहली बॉल पर विकेट, 22 रन पांच गेंदों में, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, निश्चित रूप से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएंगी। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बढ़िया फील्डिंग, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए, वेल डन, वेल फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, और दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। और इस तरह से दो रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 47। अब चार गेंदे और 20 रन, फिर से एक मरतबा चार गेंदे 20 रनों की जरूरत। राइट हर्ष हमसे दूर जाते हुए, राइट अमोर द विकेट, बॉल आउट, वालवटी, वालवटी के कैप्टन यहां पर चले आए, संसाम एलिवान वालवटी है वो, पुरार के बच्चे उसमें हैं, लेकिन नाम संसाम वालवटी के कैप्टन यहां पर टॉस के लिए चले आए। तो विकेट मिला है यहां पर, दो गेंदे तीन गेंदे फेंकी, दो विकेट गए हैं, अब तीन गेंदे बची है और रन चाहिए 20 रन, 20 रन, तीन गेंदे 20 रन। अब इसके बाद एक अच्छा मुकाबला होगा, जो भी टीम जीतेगी वो संसाम इंटरप्राइजेस वालवटी के बीच, जो कैप्टन वहां पर चले जाए टॉस के लिए, इसमें से जो भी जीतेंगे वो फौरन आएंगे टॉस के लिए वहां पर। रोहित गमरे हमारे इलाके का, हमारे गोरेगांव का एक अच्छा खिलाड़ी है, रोहित गमरे ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन इस बार उनके सामने समस्या ये कि रन ज्यादा है, बॉल कम है, मगर मसला ये है कि मुश्किल से मुश्किल है, हर बॉल के ऊपर अगर सिक्सर भी लगा दे तो भी मैच नहीं जीत सकते। हर्ष ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत अच्छी, ये खिलाड़ी जो है एक अच्छा खिलाड़ी हर्ष, जिसको ये स्टेट लेवल पर खेल चुका है, खिलाड़ी मुंबई के लिए स्टेट लेवल पर खेल चुका है। अब यहाँ पर इस वक्त शाहीन के ग्राउंड पर गेंदबाजी करते हुए, और अच्छी चार रन, चार रन।
दो गेंदे 16 रन, दो गेंदे और 16 रन, लेकिन जो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है, पॉसिबल तो नहीं है। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान देते हुए इस तरह से के सरकार की टीम जो है ये तकरीबन हार की कगार पर खड़ी है। 51 रन बनाए हैं, 4 विकेट के नुकसान पर 66 रनों का लक्ष्य मिला था और उसको प्राप्त नहीं कर सकी। एक गेंद बची है, 52 रन बने, अरे बड़े मार्जिन से हरकुल ये मैच जीतने की ओर बढ़ती हुई, और इसी के साथ हरकुल ने ये मैच जीत लिया है बड़े मार्जिन के साथ। आज 12 या 14 रनों से मैच को जीत लिया है, तो मैं यहां पर मुबारकबादी पेश करूंगा यहां पर। कांग्रेचुलेशन हरकुल की टीम, आपने ये मैच बिल्कुल आसानी के साथ इस मैच को जीत लिया है। लेकिन पहली दो ओवर में यकीनन मैच थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन राजा ने अच्छा कमबैक किया, आखिरी ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली यहां पर। और इस तरह से के सरकार की टीम जो है इस वक्त यहां पर हारी हुई है।